ब्लॉकबस्टर बने और आप रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहती हैं? जी, मैं इस कामयाबी का श्रेय खुद को तो देना चाहती हूँ और साथ में ही उस लड़की को भी देना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। कौन है वो लड़की? है एक। इस कहानी की शुरुआत 2018 में हुई जब मैं सपनों की नगरी मुंबई आई थी। मैं कायना, आपकी नई रूममेट। अच्छा हाँ, सुबह बात करते हैं, आ जाओ। आप लोग कहाँ से हैं? हाय हाय। हेलो, सॉरी मैं इतना। वेलकम टू आवर हाउस। थैंक यू। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से। अपने आप को प्रिपेयर कर, फिर से लेंगे आराम से। तुझे क्या लगता है, आराम नगर जाके तू हीरोइन बन जाएगी? हाँ, मैं जा रही हूँ ऑडिशन देने। क्या हो गया? वैसे तो दिन शांति रहती है। अब बता रहे, अब कुछ बोलेगी नहीं? एक साल से मैं ऑडिशन दे दे कर थक गई। जहां भी जाती मुझे काम नहीं मिलता। प्रोफाइल्स पे जो रजिस्ट्रेशन मांगते हैं वो आर्टिस्ट कार्ड मांगते हैं और कहते हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी ना तो तू कभी आगे नहीं जा पाएगी। तुझे क्या लगता है, ये सब क्या कोई नई बात है? मुंबई ये सोच कर आना चाहिए था कि बस तुझे प्रोफाइल खेलना होगा। और जो तू ये बता रही है वो कोई नई स्टोरी थोड़ी है।
तुझे क्या लगता है हम ये सब कुछ शौक में करते हैं? तुझे पता नहीं है मेरी स्टोरी क्या है? एक बार मैं भी गई थी ऑडिशन के लिए, किसी ने मेरे से बोला कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मुझे लगा ठीक है, एडजस्टमेंट ही तो करना है, कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने बुलाया मुझे किसी होटल, मैं वहां पहुंच गई। पहुंचने के बाद मैं बहुत खुश कि इतनी अच्छी जगह पे बुलाया है, लेकिन जब उन्होंने मुझे कमरे में लेकर गए और जब दरवाजा बंद कर लिया तो मुझे डर लगने लगा। और वहां पर इतने गंदे गंदे लोग थे ना, आज भी जब मैं उन सब के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे डर लगने लगता है। इसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो चलो इसको काम नहीं किया। मैंने दो बार किया फिर भी कुछ नहीं हुआ है। ले और आज इस हालत में देख। यहाँ पर टैलेंट की किसी को कदर नहीं है। चमड़ी दिखती है सालों को चमड़ी पाउडर कहते हैं इसको। सारा तो भूल जाएगी, ट्राई कर एक बार। सही में बोले करके हम यार इतने ऐसे एक नाक बंद कर और एक नाक से खींच। जाता है तो थोड़ा रिसाइकल हो जाता है, नई नई बोतलें बन जाती हैं, दोबारा से ही कचरा ना हो। किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है तू? आईएएस की पढ़ाई। और तुझे क्या लगता है ये कचरा भी इनकर इनको रिसाइकलिंग के लिए देकर तू आईएएस बन जाएगी? जी बिल्कुल बन जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम है क्या मैडम बताइए? कितनी इनकम हो जाती है तेरी? इनकम क्या मैडम, मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है और बहुत ही अर्जेंटली काम है, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। थैंक यू। इतनी बात तो बता दिया सो मच।